केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनका एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये बयान उन्होंने सदन के अंदर दिया और ये बयान महिलाओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी ने महिला कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पीरियड लीव के विचार पर अपना विरोध जता दिया। कहा कि एक विषय है जिस पर फिर से चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री की एक और चर्चित नाम कंगना राउत ने भी स्मृति ईरानी की हां में हां मिलाकर उनकी बात पर मुहर लगा दी है। दरअसल हुआ यूं कि स्मृति ईरानी ने बुधवार को राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे विशेष अवकाश प्रावधानों की आवश्यकता वाली बाधा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अब इस पर स्मृति ईरानी जवाब देती हैं कि पीरियड्स कोई अपंगता नहीं है, पीरियड्स हैंडीकैप नहीं है। इस पर सरकार पेड पॉलिसी की कोई नीति नहीं लेकर आ रही है। सिर्फ कुछ महिलाओं को उन दिनों में जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। आसान भाषा में समझें तो पीरियड्स क्रैम्प्स, पीरियड्स के पेन का सामना करना पड़ता है। इस तरह की लीव से महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव बढ़ सकता है। स्मृति ईरानी के इस बयान के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राउत भी आ गई हैं। उनका कहना है कि जब तक ये किसी भी महिला के लिए कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन ना हो, महिलाओं को पीरियड्स के लिए पेड लीव की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्लीज इस बात को समझें, ये पीरियड्स किसी तरह की बीमारी या फिर कोई रुकावट नहीं है। सबसे पहले आपको स्मृति ईरानी की वो बाइट सुनवाते हैं, वो चंक सुनवाते हैं जिस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। As a menstruating woman, I can very particularly in this house say, menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I'm not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint. Periods, menstruation, mahavari, इसको लेकर देश में अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग बातें होती हैं और अलग अलग मांगे भी होती हैं, लेकिन प्रोसेस एक ही है। दरअसल कुछ लोगों ने ये मांग की थी कि दूसरे देशों में जहां पर पीरियड्स के दिन एक पेड लीव महिलाओं को मिलती है, वो भारत में भी होनी चाहिए, जिस पर ये जवाब आया है स्मृति ईरानी का। दरअसल इस दौरान 4 दिनों तक महिलाओं को मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इस वजह से जरूरी है कि महिलाओं को ऑफिस से पेड लीव दी जाए, इसकी जिक्र लगातार चलता आ रहा था। लेकिन शायद स्मृति ईरानी के बयान के बाद अब ये साफ हो गया है कि भारत में महिलाओं को पीरियड्स की पेड लीव अनिवार्य नहीं होने वाली है। जाहिर है कि स्मृति ईरानी के इस बयान पर बवाल होना तो तय था। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने वाली पार्टी बीजेपी की एक प्रमुख महिला नेता के बयान पर उसे महिला विरोधी साबित करने की होड़ तो लग ही जाती है। पर इन दोनों नेत्रियों के बारे में कोई राय बनाने के पहले 5 बातें या कुछ बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं महिलाओं को पीरियड लीव की आवश्यकता आखिर क्यों है। दरअसल ऐसी नीतियां शामिल होती है पीरियड लीव में जो श्रमिक या छात्रों को अपने मासिक चक्र से जुड़े दर्द या असुविधा का अनुभव होने पर समय निकालने की अनुमति देती है। कुछ खबरों की माने तो कार्यस्थल के संदर्भ में ये उन नियमों को संदर्भित करता है जो भुगतान या अवैतनिक छुट्टी के साथ साथ आराम के लिए समय प्रदान करते हैं। देखिए, पीरियड्स का दर्द कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होता है, असुविधाजनक होता है, और कुछ महिलाओं के लिए नहीं होता, लेकिन आराम हर किसी को चाहिए होता है। दरअसल मासिक धर्म वाली आदि से ज्यादा महिलाएं हर महीने कुछ दिनों के लिए दर्द सहती हैं, जबकि कुछ के लिए ये इतना गंभीर है कि रोजमर्रा के कार्यों उत्पादकता में बाधा उत्पन्न हो सकता है। ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि पीरियड्स है तो ज्यादा पेन नहीं हो रहा होगा। कई बार बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कई बार मेडिसिन लेनी पड़ती है, इस तरह के हालात हो जाते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस में
टारगेटेड अचीवमेंट का चक्कर इतना बड़ा हो गया है कि किसी भी महिला या पुरुष के लिए सामान्य दिनों में भी परेशान होने के जैसा है। तो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल तो होता ही है। महिलाओं का कहना है कि इस दर्द को कोई पुरुष समझ ही नहीं सकता। मासिक धर्म में होने वाले 15-25% महिलाओं को प्रभावित करती है वो पेन, जिसमें मिशिगन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में महामारी विज्ञान और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रोफेसर सियाबोन हार्लो का हवाला दिया गया है। तो ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरत है कि पीरियड्स में लेट मिले। दूसरी बात पर अगर नज़र डाला जाए तो ऐसे कानून बनने के बाद एम्प्लॉयर क्या करेगा ये भी सोच लीजिए। दरअसल स्मृति रानी कहती हैं कि पीरियड लीव के लिए कानून बनने के बाद एम्प्लॉयर महिलाओं के साथ भेदभाव हो सकता है। स्मृति रानी की इस बात में दम तो है। सामान्य तौर पर बहुत बड़े संस्थानों को छोड़ दीजिए तो बिना इस कानून के ही महिलाओं को रोजगार देने के मामले में हमेशा देश की कंपनियों का बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है। रोजगार देने में उन्हीं जगहों पर प्राथमिकता दी जाती है जहां उन्हें कम पारिश्रमिक में हायर करने का मौका मिलता हो। बाकी जगहों पर उनके साथ भेदभाव बहुत निचले स्तर का होता है। जिन लड़कियों की शादी हुई 1 या 2 साल हुआ होता है उन्हें नौकरी देने में कोई संस्थान इच्छुक नहीं होता। ये सच है, आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये आशंका होती है कि बहुत जल्दी ये लड़की प्रेगनेंसी लीव पर चली जाएगी। प्रेगनेंसी लीव चूंकि हमारे देश में पेड लीव हो चुकी है, इसलिए कंपनी को लगता है कि उनके मुफ्त में 3 महीने की सैलरी भी देनी होगी। ऐसी लड़कियों को अगर कंपनी में नौकरी दे भी दी तो कोई टीम लीडर उनके साथ अपना काम नहीं करना चाहेगा। उन्हें पता होता है कि मेरी टीम का एक बंदा कभी भी कम हो सकता है। इस तरह अगर पीरियड लीव के लिए कानून बनाया गया तो महिलाओं के साथ कार्यस्थलों पर और ज़्यादा भेदभाव हो जाएगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। पहले तो कंपनी नौकरी देने में आनाकानी करेगी, अगर नौकरी मिल भी गई तो कार्यस्थल पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को कम मानने वाले हर कानून का क्यों विरोध होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालना जरूरी है। महिलाएं किसी से भी कमजोर नहीं है। बहुत मुश्किल से ये बात अब पुरुषों को समझ में धीरे धीरे आने लगी है, अभी भी पूरी तरीके से नहीं। जो फील्ड कभी पुरुषों के लिए आरक्षित होते थे उन जगहों पर भी महिलाएं बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटर ड्राइविंग की, तो महानगरों की सड़कों पर महिलाएं खुद कार ड्राइविंग करने लगी हैं। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, किसी भी हादसे में कार ड्राइव करने वाली कोई महिला नहीं होती। महिलाएं अब ट्रेन और फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं। कभी भी हादसों में किसी महिला का नाम नहीं आता। राजनीति, शिक्षण, बिजनेस में महिलाएं लगातार अपना मुकाम हासिल कर रही हैं। हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं को द्वितीय श्रेणी की नागरिक बनाने के लिए पीरियड और प्रेगनेंसी जैसी बातों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। महिलाएं सक्षम है, इन शारीरिक जरूरतों के हिसाब से समाज में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पीरियड लीव के लिए लड़ना कड़ी मेहनत से अर्जित समानता को पीछे धकेल सकता है। कंपनियों की स्वेच्छा पर छोड़ देना चाहिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। कुछ कंपनियों और संस्थानों ने महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देने के लिए कानून द्वारा बाध्य होने का इंतजार नहीं किया। इनमें ऑस्ट्रेलियाई पेंशन फंड फ्यूचर सुपर, भारतीय खाद्य वितरण स्टार्टअप जोमैटो और फ्रांसीसी फर्नीचर फर्म लुइस शामिल है, जो 6, 10 और 12 दिन की छुट्टी देना शुरू करता है। भारत में स्विगी, बाजियो जैसे कुछ कंपनियों की मासिक धर्म अवकाश की अनुमति देनी शुरू कर दी गई है। पर हम जब दुनिया को देखते हैं तो लगता है कि भारत में क्यों नहीं इस प्रकार के अवकाश का कानून बनाया जा सकता है। मार्च 2021 में महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश लेने की अनुमति देने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश बन चुका है। पर दुनिया के तमाम देशों में आंशिक रूप से ही इसके लिए कानून बन चुका है। इंडोनेशिया ने 2003 में कानून पारित किया जिसमें महिलाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के प्रति माह 2 दिन के मासिक धर्म अवकाश का अधिकार दिया गया है, लेकिन व्यवहार में प्रावधान विवेकाधीन है। जापान में 1947 का एक कानून कहता है कि कंपनियों को महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने के लिए सहमत होना होगा अगर वे इसके अनुरोध करती हैं तब तक उन्हें इसकी आवश्यकता हो। दक्षिण कोरिया में महिलाएं प्रति माह 1 दिन के अनैतिक मासिक धर्म अवकाश के हकदार हैं। इनकार करने वाले नियोक्ताओं को 5 मिलियन वॉन तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ताइवान में रोजगार में लैंगिक समानता का अधिनियम महिलाओं को प्रति वर्ष 3 दिन की मासिक छुट्टी देता है। वियतनाम में भी महिलाओं को हर महीने 3 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी मिलती है। अगर नियोक्ता छुट्टी ना लेने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें अधिक भुगतान करना होगा। देखिए, अगर मासिक धर्म पे आप छुट्टी नहीं देते तो कई जगहों पर ऐसा प्रावधान है कि अगर आप छुट्टी नहीं देंगे तो कंपनी को ही जुर्माना भरना होगा, कंपनी को फाइन भरना होगा। आप सोचिए, भारत में इसकी मांग हो रही है, लेकिन भारत में वैसे ही महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए हमेशा से ही लड़ना पड़ा है और आज कहीं जाकर हम एक लेवल सेट कर पाए हैं। अगर यहाँ भी भेदभाव होगा नौकरियों में तो फिर हम उस लेवल को कहीं ना कहीं जो हमने कड़ी मेहनत की है उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे।
अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप स्मृति ईरानी की बात से क्या सहमत हैं, या फिर पेड लीव मासिक धर्म के दौरान मिलनी चाहिए।